घर में पड़ी हो ब्रेड और हमें समझ में ना आए कि इसको हम कैसे यूज करें। आज की हमारी ये वीडियो इसी पर है, क्योंकि आज का जो स्नैक है वो इतना इजी है और इतना टेस्टी है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया और खा लिया ना, तो आप इसे रोज ट्राई करेंगे, रोज बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। वेलकम टू दिव्यास किचन। स्टार्ट करते हैं, ब्रेड लेते हैं, उसके एजेस हम क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। मैं ब्राउन ब्रेड यूज करती हूँ इसलिए ब्राउन ब्रेड ली है। आप जो भी ब्रेड यूज करते हैं घर में आप वो लीजिए। ये देखिए इस तरह सारे एजेस इनके क्लियर हो गए हैं और अब इन्हें हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े ही स्लाइस कर रही हूँ, ये थोड़े ईजी रहते हैं कुक होने में। ये देखिए सबके हो गए हैं कट। अब ये जो एजेस है ना, इसे के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और बहुत अच्छा एक स्नैक बनेगा जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इन ब्रेड स्लाइसेस को जो हमने छोटे छोटे पीसेस करे हैं, इसे एक हॉट तवा, एकदम से गर्म है ये तवा, इस पर हम टोस्ट कर लेंगे। साइड चेंज करके दोनों तरफ से इसे हम टोस्ट कर लेंगे। कोई घी ऑयल कुछ नहीं लगाना। ये देखिए एकदम से ये हार्ड हो गए हैं, बस इस स्टेज तक हमने इसे कुक कर लेना। ये देखिए इस तरह से। अब ये जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे और क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे, आप ऐसे टच करेंगे ना आपको फील होगा। आप कुकिंग पैन में लीजिए थोड़ा सा ऑयल, बटर, जो भी आपका मन हो। उसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई लहसुन का पाउडर है ये, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हमने ये कैसे बनाया है, आप वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अनियन, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप यहाँ पे अनियन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ये चॉप्ड अनियन बहुत मज़ेदार लगते हैं। थोड़े से ग्रीन अनियन, इन्हें भी हम कुक कर लेंगे। सब्जियों को हमने सौगी होने तक कुक नहीं करना है, हमें इतना कुक करना है कि इनकी स्मेल निकल जाए बट क्रंचीनेस बनी रहे। थोड़ी सी कैबेज, इस रेसिपी में ना हम बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो घर में आपके पास पड़ी हों। कैप्सिकम, मैं यहाँ ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। आप रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, बेबी कॉर्न्स, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं, उनको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। थोड़ी सी रेड चिली सॉस, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये भी आप अपने स्पाइसेस आप कितना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा विनेगर और थोड़ी सी सोया सॉस। ये देखिए इस तरह से। अगर आपकी डार्क सोया सॉस है, आप क्वांटिटी इनकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारी सॉसेज हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कीजिए। आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हो अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद करता है। अब मैंने इसमें डाले हैं स्वीट कॉर्न्स। मैंने ये बॉयल नहीं करे हैं, थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया था और अब उनका पानी निकाल के मैंने डाला है। यहाँ मैं डाल रही हूँ टमेटो केचप। थोड़ी सी एक मिठास और टैंगीनेस आ जाती है, बहुत टेस्टी लगती है टमेटो केचप इसमें। अब थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट आप उसी हिसाब से डालिए क्योंकि जो हमने सॉसेस यूज़ करी हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। अब इन सॉसेस को, स्पाइसेस को हम कुक कर लेंगे। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कॉर्नस्टार्च स्लरी। थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे हम, ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं बनती है, बिल्कुल थोड़ी सी। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, जिसे हम कॉर्नस्टार्च स्लरी कहते हैं, इस तरह से। अब इसे मैं हमारे इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी ताकि हमें एक थिक ग्रेवी मिले, क्योंकि ये डिश ग्रेवी वाली नहीं होती है, सेमी ग्रेवी होती है इसकी। देखिए अब मिक्स करके अब इसे हम थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि जो कॉर्नस्टार्च है, कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं उसे, वो कुक हो जाए। थोड़ा सा हनी, बड़े अच्छे फ्लेवर हैं इसमें, टैंगीनेस भी है, स्पाइसीनेस भी है और मिठास भी है। मुझे इसमें ना हनी का मज़ा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है हनी की जो हल्की हल्की मिठास आती। थोड़ा सा पानी ताकि सब सॉसेज आपस में अच्छे से मिल जाएं और हमें एक थिक इंग्रेडिएंट, हमें थिक बैटर मिले। ये देखिए है ना कितनी मज़ेदार। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टोस्ट करे हुए ब्रेड पीसेस। ये ठंडे होकर और अच्छे से स्टिफ हो गए हैं। इस तरह से टोस्ट करने से ना ब्रेड जल्दी सॉगी नहीं होती। अगर आप एज इट इज पीसेस कट करके डाल देंगे ना, तो ऐसे जब हम मिक्स कर रहे हैं तो वो टूट जाएंगे, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल टेस्टी नहीं है, वो घुल जाएंगे सारे। आप टोस्ट करके डालिए, तो उनका टेस्ट भी बढ़ता है और वो जल्दी सॉगी नहीं होते। ये देखिए है ना कितना मज़ेदार कलर है और बड़े मज़ेदार फ्लेवर है। देखिए कितनी झटपट हो गई तैयार। कर रहे हैं अब इसकी हम प्लेटिंग। खुशबू मज़ेदार, कोई आपको मार्केट से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इजी बन जाता है। और ये सब चीज़ें, ये सब वेजिटेबल्स मोस्टली हमारे घर में होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए है ना टेम्पटिंग,
कर रहा है ना मन खाने का, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसमें से कुछ चीज़ें ऐड कीजिए और कुछ स्किप कीजिए, बड़ा मज़ेदार ये स्नैक बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस दिव्यास किचन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।